तो हमारे कबीर साहब कहे हैं कि जब लग नाता जगत का तब लग भगत ही ना होए, नाता तोड़े हरि भजे भगत कहाँ वे सोए। तो जब तक, इसका मतलब है जब तक हम अपने जो है अटैचमेंट्स को, जगत से जुड़ा जो हमारे अटैचमेंट्स है, आसक्ति है, उसको हम नहीं त्यागेंगे तब तक हम हरि को प्राप्त नहीं कर सकते। हरि मतलब आत्मा, ब्रह्म जो सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है, उसमें अपने मन बुद्धि के द्वारा उसके समझना जितना भी हो सके, और लास्ट में मन बुद्धि सबके परे होकर उसमें स्थित हो जाना, बस यही जीवन का लक्ष्य है। यही सारे प्रधान प्रधान शास्त्रों का उद्देश्य है, यही सारे उपनिषद, अष्टावक्र गीता, उद्धुत गीता, ऋभु गीता का सार है, सारे के सारे प्रधान ग्रंथों का सार है कि जो है आत्मा में स्थित हो जाओ बस। तो मित्रों, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी आदि पराशक्ति आदि जो ईश्वर हम लोग बनाए हैं, यह क्या सत्य है? क्या ये लोग है किसी धाम में या ब्रह्मांड के किसी उच्च लोक में, जैसे कि स्वर्ग लोग बोलते हैं, स्वर्ग लोग सात लोग ऊपर के सात छः लोगों को बोलते हैं, उसके ऊपर है ब्रह्म लोक, तप लोक, महोलोक, जनलोक, ये सब है। तो क्या उसमें रहते हैं या फिर किसी अलग अलग से धाम में रहते हैं? तो मेरा ये मत है कि कोई होता नहीं है, ईश्वर कल्पित है, ठीक है। और ये मनुष्य का जो है वैराग जगाने के लिए हुआ है कि आप लोग शास्त्र पढ़ोगे, ईश्वर के प्रति भक्ति आएगा, वैराग आ जाएगा, और आप लोग संसार से मुक्त हो जाओगे, और फिर आप लोग साधना करोगे और आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, बस इसके लिए, ठीक है। इसके लिए पुराण है, पुराण के अंदर जो गीता है उसको पढ़ के देखना और उपनिषद पढ़ के देखना कि आपको कैसा लगता है, नहीं लगता होगा ना। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ईश्वर है? जो लोग जो भी बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी आदि पराशक्ति जो ये बोलते हैं, ईश्वर क्या है देख लेना। ईश्वर के अगर आप लोग कोई भी रूप का भक्त हो तो उन्हें पूछ के देख लेना कि भगवान या ईश्वर या जो भी बोलो, आत्मा स्वरूप देखते होंगे, आत्मा या ब्रह्म ही परम है जो कि निराकार सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है। और कोई ईश्वर को मानते हो तो उससे पूछ लेना कि एक बार दर्शन दे दो बस, तो मैं आप लोग आपके लिए सारे ज़िंदगी जो है उत्सर्ग कर दूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा, देखना कुछ नहीं होगा। तो ये भक्तों का विश्वास है, ठीक है, लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि कोई ईश्वर कहाँ पर बैठे है, आपको वहाँ जाना है। कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता। अच्छे कर्म को धर्म कहते हैं और उच्च मन का उच्च स्थिति या जीवन का उच्च स्थिति को अध्यात्म कहते हैं, ठीक है। और उन सब से परे हो जाना, मन बुद्धि के परे आत्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति परम धाम कहते हैं।